हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वीवो के फ़ोन में जो स्क्रीन कलर होता है, उस स्क्रीन कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन कलर को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास वीवो का फ़ोन है, जो वीवो के फ़ोन की हमारी सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते होंगे, तो इसे आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे नीचे तक स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है, सिंपली यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला ऑप्शन शो होता होगा, तो सिंपली हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपली एक ऑप्शन शो होगा स्क्रीन कलर का। देखो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्रीन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। इस आपको यहाँ पर यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जैसे आपको कोई भी स्क्रीन कलर को इंटेंसिटी सेट करना तो आप कर सकते हो। सिंपली जैसे यहाँ पे देखिए, हम स्क्रीन कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है कम रखना है, कम ज़्यादा रख सकते हो। और कहीं यहाँ से आप देखिए स्क्रीन कलर को इजीली चेंज कर सकते हो, जो आपके स्क्रीन कलर रखना है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ से कैसे आप इसको ईजिली डिसेबल, जैसे हम इसको क्लिक करें डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे इस पर हम कहते हैं, इसको हम जैसे कि फुल कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, जो आप रखना है रख सकते हो। और कहीं नहीं रखना कुछ भी, नॉर्मल रखना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके जो स्क्रीन कलर का वो होगा तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो कैसे देखिए नॉर्मल हो चुका है। और कैसे इसको हम छेड़ेंगे तो देखिए क्लिक करते हैं नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन कलर को चेंज कर सकते हैं वीवो के फ़ोन में। तो कैसे यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।